आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, है ना। अभी हम हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और हम लोग जा रहे हैं अभी शिरडी। तो रात को 10:30 का ट्रेन है। तो अभी हम दिल्ली से जाएंगे मनमाड़ जंक्शन, मनमाड़ से टैक्सी लेंगे। डायरेक्ट ट्रेन कोई मिली नहीं हमको, जस्ट अर्जेंटली हमारा प्रोग्राम बना सडनली और हम लोगों ने ट्रेन किया, तत्काल में टिकट मिला। सेकंड एसी कौन सी ट्रेन है, कर्नाटक एक्सप्रेस मराठा, बताते हैं आपको कौन सी ट्रेन है, हमें तो ट्रेन भी नहीं मालूम। तो कल शाम को पहुँचेंगे हम 5:30 बजे उधर। तो ये आप पीछे देखिए निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, काफ़ी चेंज हो गया है अभी और काफ़ी अच्छा है, क्लीन, काफ़ी क्लीन दिख रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत ख़राब होता था स्टेशन। और चलिए अंदर चलते हैं। आई थिंक अभी हमें सिक्योरिटी चेक इन पर जाना है तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम कैमरा बंद करेंगे, बाकी आपको ट्रेन में पहुंच के दिखाते हैं जर्नी, बने रहिए पूरी जर्नी के साथ। चलिए ये है प्लेटफॉर्म 1 और हमारी ट्रेन जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से है, वो खड़ी है हमारी ट्रेन, वो खड़ी, वो जो आपको रेड कलर की दिख रही है वो है हमारी ट्रेन। तो चलिए चलते हैं। एस्केलेटर्स ख़राब हैं, दोनों जगह रेड निशान बना हुआ है, तो अभी हमको पूरा लगेज लेके चलना पड़ेगा पैदल। ये है प्लेटफॉर्म 2, फिर 2 और 3, 4 और 5 हमारा है आगे प्लेटफॉर्म नंबर 5। हाँ जी, हमारी ट्रेन का नाम है मराठावाड़ा संपर्क क्रांति, प्लेटफॉर्म नंबर 5। हाँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ट्रेन जाती हुई, कौन सी ट्रेन है ये है नई दिल्ली इंदौर, शायद उसका टाइम हो गया है तो जाते हुए। चलिए हम अपने प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। हाँ, ये खड़ी हमारी ट्रेन, हमारा बोगी नंबर है A1। हमें अभी पता चला हमारी बोगी सबसे लास्ट में है, शिट। अभी पूरे रास्ते जितने भी स्टेशन आएंगे हम लोग सबसे एंड में होंगे, ना कुछ स्टेशन से उतर के खा पाएंगे, बट एनी हाउ क्या करें, ट्रेन का मज़ा लेते हैं। हमारे कोच का नंबर है A1 और कुछ ट्रेनों पर तो लिखा ही नहीं है कौन सा है। अरे बाप रे, A1 B1 सबसे लास्ट का डब्बा है। वाह, चलिए अंदर घुसते हैं फिर आपको दिखाते हैं। 43 वाली रेंज है, सबसे लास्ट में होगा। 38 39 43 ये सब है आई थिंक, ये 43 44। आ जाओ बेटा बैठ जाओ। हाँ जी, अब हम आ गए ट्रेन के अंदर, अपनी बोगी के अंदर, और बहुत सालों बाद ट्रेन सफर कर रहे हैं। मैं तो नहीं, लास्ट टाइम किया था, वैष्णो देवी गए तो थे। अच्छा हाँ, एक साल हो गया उसको भी। तो हम लोग हैं अभी हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 5 मराठावाड़ा संपर्क क्रांति। तो हम कल पहुँचेंगे शाम को 5 बजे
वहाँ से हम टैक्सी लेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया। और अच्छा है ये ट्रेन, सेकंड एसी है आपको बता दूं मैं, और हमें तत्काल में वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो पूरे रास्ता हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए वो बैठा है श्रेयांश, और ये हमारे सपंदु, और ये भारती दीदा अंधेरे में बैठी है, हर वक्त तैयार रहती है घूमने के लिए। कहीं भी प्लान बोलो यहाँ चलना है, चलो हाँ हम जाएंगे। सबसे पहले कितना एनर्जी है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। देखो भाई बुढ़ापे में भी पूरा एनर्जी है ना। चलिए पूरे रास्ते आपको दिखाएंगे हम क्या क्या खाते हैं। अभी रात को 11 बजे चलेगी ट्रेन, तो पता नहीं खाने को कुछ सर्व होगा या नहीं। वैसे हम कुछ खाना लाए हैं, राजमा राइस वगैरह, तो ब्लैंकेट्स वगैरह भी मिलेगा आई थिंक, अब तो शुरू हो गया आफ्टर कोविड। तो चलिए रास्ते पर आपको दिखाते हैं, नज़ारे भी दिखाएंगे, खाना पीना सर्विस कैसी है सब कुछ दिखाएंगे आपको। चलिए ठीक है, हमारी ट्रेन है ट्रेन नंबर 211515, और अंदर से दिखाता हूँ, ये हमारी बोगियाँ हैं, 2 टायर AC, और इसका नाम है हुजूर साहिब नांदेड़ हज़रत निज़ामुद्दीन, रूट है ये। ओके A1 कोच, ये है हमारा निज़ामुद्दीन स्टेशन। बहुत तेज है, ट्रेन चल पड़ी है हमारी, और शायद आपको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, तो राइट टाइम पे छूटी है ट्रेन यहाँ से। तो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ क्या स्पीड है ट्रेन की। ये देखिए ट्रेन की स्पीड है अभी 125-128 तक जा रही थी, 130 तक जा रही थी, अभी 116 है। अभी हमने क्रॉस किया है फरीदाबाद, इसका पहला स्टेशन है आगरा कैंट, तो आगरा पे रुकेगी, फिर हम आपको आगरा स्टेशन दिखाएंगे, वैसे 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो ये देखिए बाहर, आपको शायद अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, मेरा रिफ्लेक्शन दिखेगा अभी। चलिए आपको आगरा दिखाते हैं आने के बाद। तो अभी मथुरा पार हो रहा है और अभी रात के 12 बज गए, तो हम सोने जा रहे हैं, तो आपको कल सुबह दिखाते हैं। भोपाल भी आएगा फिर सीधा शिरडी को, ब्रेकफास्ट भोपाल में करेंगे, ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे। तो और कुछ आप ट्रेन के बारे में बताएंगे, ब्लैंकेट नहीं मिला आपको? ब्लैंकेट नहीं मिला, पिल्लो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बेडिंग दिया ही नहीं, कपड़े उड़ के सो रहे हैं। चलिए ओके बाय, गुड नाइट। हाँ जी इट्स स्लीपिंग टाइम नाउ, हमारे पास पिलो और ब्लैंकेट दोनों आ गए, अभी आगरा स्टेशन पे उतर के जाके शॉप से लेते हैं। अभी आगरा स्टेशन आया, 2 मिनट का हॉल्ट था, हम लोग तेजी से उतरे, भाग के एक शॉप से लिए ब्लैंकेट एंड पिलोस, तो अब हम रात को आराम से सो सकते हैं। अभी रात के बजे हैं 12:30 और सोने की तैयारी है। श्रेयांश गुड नाइट बोल दो, मिलते हैं सुबह और आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे, क्योंकि पूरा सुबह दोपहर ट्रेन चल रही है, शाम को 5 बजे पहुँचेंगे स्टेशन, ठीक है ना? तो सोए, चलिए सोते हैं, मिलते हैं सुबह। ये आ गया है अब भोपाल स्टेशन, ट्रेन 1 घंटा लेट है, लिया है कुछ ब्रेकफास्ट, दूसरी तरफ से दिखाते हैं आपको। ओहो ये देखिए शायद कोई यार्ड है, कुछ सामान रखा है ट्रेन का, ये है भोपाल। ये देखिए भोपाल शहर,
पता नहीं क्या हुआ है, ट्रेन रुक गई है, टीटी साहब आ रहे हैं, गार्ड साहब है शायद। ये है भोपाल, भोपाल से निकलते ही ट्रेन रुक गई है। देखिए भोपाल के नज़ारे, शायद कुछ तो हुआ है ट्रेन में। गार्ड चेक कर रहे हैं, अभी वो चढ़ गए हैं ट्रेन में, शायद अब चलेगी ट्रेन। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है और अब चलेगी। और चल पड़ी है ट्रेन अब। अभी बजे सुबह के 8, ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है और होपफुली शायद रास्ते में रिकवर कर लेगी टाइम। हम अपने टाइम तक ही मनमाड़ जंक्शन तक पहुंचेंगे, जो है 5:30 बजे का। बज चुके हैं और अभी हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। ट्रेन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। आई थिंक 2:30 या 3 बजे जलगांव आएगा। हाँ। वहाँ से हम लंच करेंगे, वहाँ पे ऑर्डर वो ट्रैक रेल ऑन फूड हमने ऑर्डर किया है, तो वहाँ से खाना आएगा डोमिनोज और दाल राइस। हाँ। ओके, चीज क्या क्या ऑर्डर किया आपने डोमिनोज का? गार्लिक ब्रेड और डिप और पास्ता, और चीजी पास्ता ना। हाँ। टोमेटो पास्ता। ओके, तो अंदर से हम पता नहीं चलता, बाहर जाते हैं गेट खोलते हैं तो पता चलता है कितनी तेज आवाज आ रही है। अभी हम देखते हैं। हाँ, कल रात को हमने बताया था आपको, ट्रेन में कुछ भी हमें ब्लैंकेट पिल्लो सब नहीं मिला, वो तो अच्छा हुआ हमने आगरा में से खरीद लिया। पूरी सारे पैसेंजर सब लोग बेचारे काफ़ी परेशान आए हैं, किसी को ब्लैंकेट रोल नहीं मिला। और अभी मैं आपको बाहर से इस ट्रेन की स्पीड दिखाता हूँ, पहले मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको शीशे में से, फिर आपको बाहर ले जा के दिखाऊँगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से, ये देखिए बाहर से ट्रेन की स्पीड और आवाज से आपको दिखा रहा हूँ। अराउंड 127 की स्पीड चल रही है अभी। अभी हम पहुंचे हैं समवेयर नियर बुरहानपुर, नेक्स्ट स्टॉप है जलगांव, जो कि करीब 2 घंटे बाद आने वाला है। ये देखिए चारों तरफ खेत ही खेत है। ट्रेन अच्छी स्पीड पर चल रही है बट फिर भी आई थिंक शायद 1/2 घंटा लेट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। अंदर ए सी रूम में इतना पता नहीं चल रहा है, बाहर जाके पता चलता है। अराउंड 45 डिग्री टेम्परेचर है आउटसाइड, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो हमारे श्रेयांश सो चुके हैं दोबारा से। दोपहर का टाइम है, लंच का वेट कर रहे हैं जो हमने ऑर्डर किया है बाहर से।
डोमिनोज से और एक रेस्टोरेंट से, जो कि अराउंड 2:30 बजे डिलीवर होगा। बताएंगे आपको और दिखाएंगे भी कैसा है टेस्ट ट्रेन में डोमिनोज ऑर्डर करने का ऑनलाइन। चलिए, अभी हम पहुंच गए हैं जलगांव के पास, तो आउटर पर ट्रेन रुकी है, आई थिंक कोई ट्रेन पास हो रही है। ये देखिए, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। देखिए ट्रेन के लाइनमैन इतनी गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर में आउटसाइड काम करते हुए, वाओ, इन्हीं की वजह से सारी ट्रेन लाइन सेफ रहती हैं। ये लोग कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं, रिपेयर वर्क। ये आया है भुसावल जंक्शन, यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकेगी नहीं बट पास होगी यहाँ से। ये देखिए भुसावल जंक्शन, यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है हमारा जलगांव। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, बहुत सारी लाइन्स हैं यहाँ पर। ये देखिए ये मालगाड़ी, हमने ऑनलाइन खाना मंगाया है डोमिनोज से और कुछ लोकल फूड, राइस एंड दाल फ्राई। तो ट्रेन का खाना तो बहुत ही बकवास था, तो हमने जलगांव स्टेशन से बाहर से ऑर्डर दिया था, अभी हमको डिलीवरी हुआ है। तो इवन डोमिनोज से हमने आइस टी मंगाई थी बट उन्होंने मिक्स फ्रूट जूस दिया हमको। देखते हैं बाकी, चलिए खाना खाते हैं हम, फिर 2 घंटे बाद मनमाड़ आएगा, वहाँ से हमें टैक्सी लेके शिरडी जाना है। रास्ते में आपको सफ़र भी दिखाएंगे, वहाँ पर एक पहाड़ भी है ना, अंगठा पहाड़, वो भी दिखाएंगे आपको। हाँ जी, हम एंटर कर रहे हैं मनमाड़ में, यहाँ से उतरेंगे हम और टैक्सी लेंगे शिरडी के लिए। देखिए हिल्स दिखने शुरू हो गए होंगे आपको, वहाँ पर एक फेमस पहाड़ भी है जिसका नाम है अंगठा पहाड़, आपको रास्ते में दिखाएंगे जब हम टैक्सी से देंगे ना, तब दिखाएंगे आपको क्लोज अप।
अभी यहाँ से क्लोजअप नहीं दिख रहा है, काफ़ी दूर है, बट दिखाई दे रहा है वो, देखिए शायद थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो रास्ते में दिखाते हैं आपको। हाँ जी, हम आ गए हैं मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ से अब हम जा रहे हैं टैक्सी लेने के लिए। तो पार करके दूसरी तरफ है टैक्सी स्टैंड, वहाँ से लेंगे टैक्सी, फिर टैक्सी से आपको दिखाते हैं रास्ता। हाँ जी, स्टेशन से निकल गए, अभी हम जा रहे हैं शिरडी। सुरेंद्र ठीक हो? कितना रहा ट्रेन जर्नी हमारा, कितने आवर्स? रात को 10:30 से, नहीं रात को 10:30 से, अभी अराउंड 18 आवर्स। अरे बाप रे, 18 आवर्स की जर्नी रही बाय ट्रेन, फिर बाय रोड, या 1.5 आवर, अराउंड 58 किलोमीटर। रास्ते में दिखाते हैं आपको कुछ अच्छे अच्छे सीन। होटल पहुंच गए हैं, ये हमारा होटल है पीछे, जिसका नाम है साई आश्रय, बहुत पास में है मंदिर के, ये बिल्कुल पीछे मेरे बिल्कुल लास्ट में मंदिर है। मुझे फ्लैग दिख रहा है, अभी आरती हो रही है वहाँ पर, थोड़ी देर में फ्रेश होके नहा धो के हम जाएंगे उधर। ये है हमारा होटल साई आश्रय, काफ़ी अच्छा होटल है। ये रिसेप्शन, अभी रात हो गई है, हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर में मोबाइल कैमरा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ की हम वीडियोस नहीं बना पाए। बहुत ही अच्छा एरिया है, काफ़ी शांत है, वो बिल्कुल लास्ट में सामने बिल्कुल मंदिर है साईं बाबा टेंपल, और ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ ऑलरेडी। अब हम जा रहे हैं थोड़ा कुछ खाना खाने, शॉपिंग करने, थक गए हैं वैसे तो, कोई भी आसपास का कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट होगा तो हम वहाँ पे खाना खाएंगे। चलिए ढूंढते हैं कोई रेस्टोरेंट। हम आए हैं अभी एक ढाबे पर, लोकल ढाबा है, होटल साई सम्राट उडुपी रेस्टोरेंट। हम ऑर्डर करना चाह रहे थे कुछ साउथ इंडियन, बट हमने ऑर्डर किया दाल फ्राई, आलू गोभी, बटर तंदूरी रोटी एंड चपाती और रायता। वैसे मेन्यू तो बहुत बड़ा है, बट हमने अभी लिमिटेड मंगाया, फिर देखते हैं कुछ चीज़ कम पड़ेगा तो दोबारा ऑर्डर करेंगे। हाँ जी, तो एट लास्ट अभी रात हो गई है 10 बज गए, तो अब हम खाना खा के बस थोड़ा घूमेंगे मार्केट, फिर निकलेंगे बाहर, दर्शन करके आ गए हैं, वो मैं बता चुका हूँ मंदिर में, अभी आप अलाउड नहीं होता है कैमरा मैन, तो बाकी हम तो रख सकते हो आप। हाँ, मंदिर में बाहर जमा कर दो। तो अभी मैं चाहूँगा हमारे सपंदु हमें बताएं कि आपका आज पूरे दिन कैसा रहा घर से निकलने से अब तक। भाई घर से निकलने से तो लेकर के अभी तक पूरी जो यात्रा है एकदम बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि रास्ते में तो खैर कोई तकलीफ नहीं है, वो ट्रेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था पेट्रोल का, वो भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग शाम को शिरडी पहुँच गए, फ्रेश होके साईं बाबा का दर्शन किए, दर्शन भी बहुत ही सुंदर हुआ, बाबा का आशीर्वाद।
दर्शन करके फिर हम लोग अभी बाहर आए। बाहर आने के बाद मार्केट पूरा घूमे, घूम करके एक बार होटल गए, होटल जा करके फिर चेंज करके अब फिर हम लोग अभी बाहर निकले हैं खाना खाने। मौसम कैसा लगा? मौसम यहाँ शाम के समय गर्मी बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम गर्मी है, लेकिन बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतनी गर्मी नहीं है। और प्रेजेंट मौसम है। और आज तो साईं बाबा की पालकी भी देख ली। हाँ, आज साईं बाबा की सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों के लिए उपलब्धि है कि आज साईं बाबा का पालकी भी देखने को मिला, ये उनकी असीम कृपा है, वो कृपा बस बनी रहेगी। तो आपको बहुत अच्छा लगा, आप कितनी बार आए हो यहाँ पर? कम से कम हम तो 10-15 बार से अधिक, 10-15 बार आए हैं, बट आई थिंक थर्सडे को पहली बार आए हैं। हमें भी अचानक, हमने कोई प्लान नहीं किया था थर्सडे आने का, है ना, थर्सडे आने का कोई प्लान नहीं था हमारा, बट हम आ गए। पालकी भी देखा हमने, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हमारे दिमाग में। मंदिर परिसर में घूमेंगे आज भी, कल भी। तो क्या है कि होटल के अंदर में ले, मंदिर में ले जाना अलाउड नहीं है, ना फोन अलाउड है, ना कैमरे अलाउड है, ना, इसीलिए यही एक चूक हो गया, नहीं तो वो भी आपको दर्शन करवा देते। और ये एक छोटा सा ढाबा था जो बिल्कुल होटल के पास भी है, तो हम थके हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए। पहले हमने सोचा आज कुछ खाने खा लेते हैं, फिर निकलेंगे मार्केट में, थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं, बाकी तो कल सुबह फिर से घूमेंगे हम। आपको पूरी तो डिटेल्स कल ही मिलेगी, जो भी कुछ मिलना है, जो कि असली असली चीज़ें जो छूट गया है, वो सब आपको कल मिलेगा। रात भी हो रही है, रात हो गई है, बाकी कल दिखाते हैं आप। शुभ रात्रि। तो गाइस खाना आ चुका है, ये है दाल, फुल्ली ऑयली दाल, आलू गोभी सैलेड, ये है रायता, ये चपाती, और थोड़ा थोड़ा हमने टेस्ट कर ही लिया है। वैसे तो टेस्ट तो ठीक ही है, वही जैसा ढाबे पर होना चाहिए। और अभी हमारा आ रहा है बटर नान, तो चलिए खाना खाने के बाद आपको बाहर घुमाने लेके चलते हैं। यहाँ पे रात को गरम गरम दूध पीने आए हैं। गाड़ी की लावने गाड़ी ना, शिरडी का फेमस दूध है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बाकी भी चीनी कैसा रखने का था? चीनी मीडियम, मीडियम ज्यादा। ये गया मलाई। पालकी कहाँ से लेके कहाँ जाती है? बड़े मंदिर में से निकलता है, वहाँ से निकल के फिर द्वारका में आता है। और आज वहीं रहते हैं? द्वारका माई के बीच चावड़ी में आता है, बाबा का आरती होता है, गुंगाड़, फिर रिटर्न चला जाता है। जी आपको दूध कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ, दूध अच्छा लगा? मेरा नाम बता रहे हैं, मसाला मिल्क, साई बजरंग मसाला मिल्क, चावड़ी के पास। आप चावड़ी के बाजू में, ये देखिए चावड़ी येरा। हाँ, ये मेन एंट्रेंस। और आप इधर आइए, इन भैया के पास हम हमेशा आते हैं, पिछले 5-6 साल से जब भी आते हैं तो हम यहाँ आते हैं दूध पीने, बहुत ही अच्छा दूध बनाते हैं। आपको कैसा लगा? यम्मी है, पर मैंने शेयर करने के चक्कर में पूरा पी, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, आप सब लोग ज़रूर आइए, हर बार आइए, जब भी आप शिरडी आते हैं यहाँ पर दूध पीने आइए। हाँ, दिखा दिया मैंने लोकेशन भी। हाँ जी, अब आपको दिखाते हैं दिन के नज़ारे, सेम जगह रात में थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेन मंदिर का एंट्रेंस, एंट्रेंस 2 है, ये मेन मंदिर परिसर है।
हाँ जी, ये देखिए हमारे पीछे जो है ये द्वारका माई है और यही मेन स्थान है जहाँ साईं बाबा हमेशा बैठे करते थे, सबके दुख दर्द सुनते थे। अब हम भी बस जाने ही वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत ही सुकून भरा माहौल है। ऐसा नहीं लेकिन थोड़ा सा ना टफ होना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं इस होटल में, इसका नाम है होटल साई नरसिन नरसिन्हा, पंजाबी एंड साउथ इंडियन फूड। जी श्रेयांश, आपने क्या ऑर्डर किया है? बड़ा सांभर। आप इतना बड़ा सांभर क्यों खाते हैं? पता नहीं। आपको बहुत पसंद है? अच्छा, दिखाते हैं आपको बड़ा सांभर। ये आ गया बड़ा सांभर, और हमारे सपंदा का भी बड़ा सांभर है। सपंदा टेस्ट कैसा है? टेस्टी है। हैं? टेस्टी है। अच्छा है? बहुत भारी। मतलब दिल्ली से कंपेयर करो तो यहाँ का बढ़िया? नहीं, दिल्ली का अच्छा है। दिल्ली का अच्छा। चलो, और श्रेयांश आप तो चेक टेस्ट करके बताओ। श्रेयांश बताएंगे टेस्ट करके। श्रेयांश कैसा लगा? ओके ओके, चलो ठीक है। अभी हमारा डोसा आने वाला है, फिर खाते हैं। ये आ गया मसाला डोसा। तो तनु कैसा है मसाला डोसा? अच्छा है। नारियल चटनी भी अच्छा है? हाँ। ठीक है, और दिखाते हैं हम कौन सी लोकेशन पे। देखिए हमारे बिल्कुल पीछे है, क्या है, चावड़ी, और उसके पीछे मंदिर है। हाँ जी, नहीं ब्लोअर ब्लोअर जल्दी है। अब हम हमने होटल खाली कर दिया, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, शिरडी एयरपोर्ट। कितना किलोमीटर है? 13 15 किलोमीटर है। तो चलते हैं। शिरडी से डायरेक्ट फ्लाइट। हाँ, शिरडी से डायरेक्ट फ्लाइट है, अच्छा हो गया। बाकी स्पाइस जेट का, पहले तो बहुत छोटी छोटी फ्लाइट होती थी, अब बड़ी फ्लाइट आने लगी है। चलो हाँ, चलिए एयरपोर्ट पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी श्रेयांश, गन्ने का जूस। ये जब भी हम शिरडी आते हैं ये वाला जूस पीते हैं ना। ये देखिए पहले छोटा सा था, साइड से निकलने का, अंदर से जाने का। इससे कोरोना जादू का राख ट्राई तो ध्यान था। चलो गांव पर चिट्ठी ने थे ना। हां आज छोटा थे ना, तो बजे फिर तो वार्ड नहीं ना, वार्ड लास्ट तो पण काय झालं कोरोना मुळे। हां शॉर्ट ब्रेक तुमने का जूस ब्रेक। हाँ जी भैया, जूस दे रहे गन्ने का ताज़ा जूस।
कैसा है? हाँ उनको भी बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ताज़ा गन्ने का जूस एकदम रिफ्रेशिंग, वाह मज़ा आ गया। शिरडी एयरपोर्ट है, शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। दिल्ली वालों को अभी जाने नहीं दे रहे होंगे। हाँ जी, हमने बोर्डिंग पासेस ले लिए हैं, चेक इन कर लिया शिरडी एयरपोर्ट। बहुत ही छोटा सा है तो हार्डली मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे सारा प्रोसीजर होने में, लगे चेक इन बोर्डिंग पास सब कुछ, और बहुत ही स्मूथ है। रश काफ़ी है बट फिर भी फ्लाइटें बहुत हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली ज़्यादा है, एयरपोर्ट छोटा है बट ठीक है, बहुत फास्ट काम हुआ और कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट आधार कार्ड, बोर्डिंग पास, दैट्स इट, फिनिश। बोर्डिंग पास मैंडेटरी है, वेब चेक इन करना। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए छोटा सा एयरपोर्ट है, बस ये दो तीन चेक इन पॉइंट्स हैं, इंडिगो का है, स्पाइस जेट का है, एयर इंडिया भी आती है इधर, और वो सामने मेन एंट्रेंस जहाँ पे फ्लाइट होती है। नन्नू एक फोट, बैठ गए फ्लाइट में, हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। हाँ। फ्लाइट बहुत ही घटिया है, स्पाइस जेट वाला कोई भी देख रहा है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा सुधारिए, पूरी फ्लाइट सीटें अंदर से गीली हैं, वेट, हैंडल्स टूटे हुए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए हैंडल्स भी टूटे हुए हैं, पूरे टूटे हुए हैं, यहाँ से भी सब आगे के पीछे के सब टूटे हुए हैं, और एनीवेज
ठीक है लो कॉस्ट एयरलाइन है बट स्टिल एटलीस्ट इट्स अ फ्लाइट. तो ओके ठीक है, हम आपको दिखाएंगे अभी टेक ऑफ करते हुए. शिरडी से जा रहे हैं दिल्ली, दो घंटे की फ्लाइट है, दो घंटे बाद उतरेंगे, फिर आपसे मिलते हैं दिल्ली में. बाय.